गाइस मेरा नाम आदित्य कुमार। गाइस मैं आपको क्वालिटी जोन चल के क्वेश्चन नंबर 2 कराने आ रहा हूँ, जो कि क्लास 12 का है। आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो गाइस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी और आपका टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों पे ध्यान दें और ये क्वेश्चन गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस भी होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो गाइस क्वेश्चन बोल रखा है, एस्टीमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एस्टीमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ H2O, 30 ग्राम H2O में एंड द नेगेटिव चार्ज पजेस्ड बाई देम गिव एंड एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर। मतलब कि गाइस इतना इसमें ये बोल रखा है कि आपके पास 36 kg H2O है, उसके पास कितना नेगेटिव चार्ज होगा। आपके पास 36 ग्राम H2O है, उसके पास कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास 36 ग्राम H2O है, उसमें कितना नेगेटिव चार्ज होगा। और आपको ये अवोगाड्रो नंबर यानी कि Na की वैल्यू रखी है 6.023 × 10²³ और आपको मॉलिक्यूलर वेट रखा है वाटर का। तो पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूंगा मेरा सॉल्यूशन, तब देखें। जब आप पहले खुद ट्राई करके देखें, जब आपको नहीं आए तो आप मेरा सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। कर लीजिए ट्राई, 1, 2, 3, 5, 4, 6। अब मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ H2O 36 ग्राम दे रखा है, ठीक है गाइस। और आपको इसको करने के लिए आपको पहले H2O मोल में चेंज करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल में चेंज करने के बाद फिर आपको चार्ज में चेंज करना पड़ेगा, फिर चार्ज में चेंज करने के बाद तब आपका गैस, तब आपका वो निकल के आएगा इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो मास ऑफ H2O 36 होता है, तो मोल ऑफ H2O कितना होगा, मोल्स ऑफ H2O इसका होगा 36 अपॉन 80 ग्राम। आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता होगा, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास मोल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपका कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा H2O का, ठीक है गाइस। अब इसको चेंज करना मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ H2O 2 × अवोगाड्रो नंबर कितना रखा है इसको, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूल आ जाएगा 6.023 × 10²³ आपका आ जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 0.12 × 10²³, सही गाइस आपका आ जाएगा मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं कोई गाइस चार्ज की, चार्ज ऑन H2O, तो गाइस चार्ज क्या होगा H2O के अंदर, तो गाइस आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, आप जानते होंगे इस बात को, किसी भी एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने प्रोटॉन होंगे, 2 हाइड्रोजन तो 2 प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन कितना 1, तो 8 प्रोटॉन होंगे, तो 8 × 2 = 10। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 12.046 × 10²³ × 10, इसको हम करेंगे सॉल्व, 12.046 × 10²⁴, ये क्या आएगा आपका चार्ज, ये प्रोटॉन आ जाएंगे आपके, आप इसको प्रोटॉन ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही बोल सकते हैं, इतना आपका आ गया। लेकिन गाइस ये आपके पास n की वैल्यू है, ये आपके पास n की वैल्यू है, तो गाइस इतना नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूँ आपको, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस में देखो इसमें क्या है, अब क्या करना है इसमें, 12.046 × 10²⁴, ये आपको किसकी वैल्यू रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, फुट करते हो q = Ne, ठीक है गाइस। तो q = Ne की वो n की वैल्यू क्या है, 12.046 × 10²⁴ इंटू आपको e की वैल्यू पता होती है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है ना। और इसके आगे माइनस आ गई क्योंकि गाइस ये नेगेटिव चार्ज है, तो गाइस आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के
1.93 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। ये गाइस आपका ये आंसर है। गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है गाइस।